ही नहीं देश में कठोरता अपना एक अलग स्थान बनाया है, जिन्हें पूर्ववर्ती सरकारों में भेदभाव के अभाव से अधिकारियों से तक नहीं मिल पाई। जनप्रतिनिधि और देश के प्रधानमंत्री जी ने यह सपना देखा है, समृद्ध नहीं होगा और विकसित नहीं हो पाएगा। तेज गति से और बढ़ाते हुए विकास की गति के साथ साथ जो सांस्कृतिक विरासत हो शिक्षा नीति में भी बड़े स्तर पर बदलाव करने का कार्य किया। हम लोगों को यह बताया गया कि इस देश में क्रूरतापूर्ण शासन करने वाले को हीरो बनाया गया, बाबर को, अकबर को, हुमायूं को, औरंगजेब को हीरो बनाया गया, वही यह भारत देश करेगा। और जब भव्य राम लला के मंदिर में 500 साल पहले नहीं मिल पाते थे, उनके कार्यालयों में जाकर वो चक्कर लगाते थे, लेकिन देश में जब मोदी जी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में जब यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनते हैं, तो यही अधिकारीगण, यही जनप्रतिनिधिगण आपके दरवाजे पर, आपके गांव पर आए हुए हैं कि जो पात्र व्यक्ति हैं वो किसी प्रकार से किसी भी योजना से वंचित न रहने पाए, इसके लिए इनकी पूरी जिम्मेदारी है और इस काम को पूरा करने के लिए यहाँ पे मंचासीन सभी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं कि इस देश को समृद्ध बनाने के लिए, आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कोई भी योजना ऐसी बचने न पाए जिसका लाभ ग्राम सभा के लोगों को मिले ना। हर योजनाएं आप तक पारदर्शी ढंग से पहुंच रही हैं और जो हमारे पात्र व्यक्ति थे उनको तो योजनाएं मिली, जिनको योजनाओं का लाभ सीधे मिला है मोदी जी की तरफ से, मोदी जी के लिए हम लोग उनसे आशीर्वाद और सहयोग लेने आए हैं, और जिन्हों जो पात्रता की सूची में अभी पीछे रह गए थे उनको पात्रता की सूची में रजिस्ट्रेशन करके, पात्रता की सूची में शामिल करके उनको हम आने वाली सभी योजनाओं का ईमानदारी से उनके तक पहुंचेगा, ये मोदी जी की तरफ से आप लोगों को गारंटी देने आए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने यह सपना देखा है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना ही है, उसी के तहत उनका ये मानना है कि जब तक हमारे गांव के गरीब किसान, युवा और महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होंगी, तब तक यह देश समृद्ध नहीं होगा और विकसित नहीं हो पाएगा। इस देश को विश्व गुरु बनना है और विश्व गुरु बनने के लिए हमें आर्थिक समृद्धि के साथ साथ हमें सांस्कृतिक समृद्धि भी होना जरूरी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी विकास के साथ साथ विकास की गति को तेज गति से और बढ़ाते हुए पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाते हुए यह भी चिंता करते हैं कि भारतीय संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए और सभी को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए, तभी यह देश विश्व गुरु बन सकता है। आप लोगों ने देखा कि मोदी जी और योगी जी विकास की गति के साथ साथ जो सांस्कृतिक विरासत हो, चाहे वो काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे विंध्यवासिनी माँ धाम का कायाकल्प हो, और चाहे अयोध्या में बन रहे इस समय राम लला का मंदिर हो, उन्होंने अपनी विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने का और उसको और विकसित करने का कार्य किया है। आप लोगों को एक और जानकारी
हम देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा नीति में भी बड़े स्तर पर बदलाव करने का कार्य किया है। हम लोगों को पूर्ववर्ती सरकारों ने गलत इतिहास बताया, गलत तरीके से हम लोगों को यह बताया गया कि इस देश में क्रूरतापूर्ण शासन करने वाले को हीरो बनाया गया, बाबर को, अकबर को, हुमायूं को, औरंगजेब को हीरो बनाया गया, और हमारे देश के जो लाल थे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, राणा प्रताप और शिवाजी को भुला दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि हम शिक्षा नीति में भी बदलाव करेंगे। यह देश के नौजवान और आने वाली पीढ़ियां बाबर, अकबर, हुमायूं को अपना आदर्श नहीं, राणा प्रताप और वीर शिवाजी को अपना आदर्श मानेंगे। इस देश को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी जाने। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है तो वो आपके बूते पर उठाया है, आपके पुरुषार्थ पर उठाया है, आपके सामर्थ्य पर उठाया है कि देश के सामर्थ्यवान हमारे नागरिकगण, उनकी इतनी क्षमता है कि उनको सही, उनकी ऊर्जा का सही दिशा में सदुपयोग हो तो यह देश दुनिया में सबसे अग्रणी देश बनेगा और इस पूरे दुनिया का अगुवाई यह भारत देश करेगा। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन यह भी मैं करता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर 14 तारीख से ही सभी सार्वजनिक स्थानों पर, मंदिरों पर स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है, यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से यह विनम्र निवेदन भी है कि हम लोग 22 तारीख तक सभी देवालयों पर स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे और 22 तारीख को जब भव्य रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो उस दिन सुबह हम लोग उसी मंदिर पर जहाँ साफ सफाई किए रहेंगे वहाँ पे भजन कीर्तन का कार्यक्रम करेंगे और दिन में प्राण प्रतिष्ठा का सजीव प्रसारण टेलीविजन पर देखेंगे, अपने मोबाइल पर देखेंगे और उसके बाद शाम को अपने अपने घरों पर दीपक जलाने का कार्य करेंगे। हम लोग सौभाग्यशाली हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को यह सौभाग्यशाली क्षण दिया है, इस पीढ़ी को यह क्षण प्राप्त हुआ है कि 500 साल पहले जिस मंदिर को ढहा दिया गया था क्रूर शासकों के द्वारा, उस मंदिर का निर्माण आज हमारी पीढ़ी के सामने हुआ, हमारी आंखों के सामने हुआ और इस मनोरम दृश्य का, सौभाग्यशाली दृश्य का हम लोग प्रसारण देखेंगे। हम लोग वहां पर जाकर मंदिर का दर्शन भी करेंगे और इस सौभाग्यशाली क्षण देने के लिए यहां पे बैठे मैं सभी नागरिक गणों से, मंचासीन सभी लोगों से यह निवेदन करूंगा कि अगर मोदी जी ने हम लोगों को ऐसा गौरवशाली क्षण दिया है, सौभाग्यशाली क्षण दिया है, तो हम लोगों का भी कर्तव्य है कि यहाँ आज कठौता की पावन धरती से हम लोग एक जोरदार उद्घोष करेंगे ताकि देश के लाल, आपका बेटा, आपका भाई नरेंद्र मोदी भी ये जान ले, वहां तक आवाज उनके कानों तक पहुंचाए कि कठौता ग्राम सभा की पावन धरती में भी उनके लिए आने वाले चुनाव में आशीर्वाद स्वरूप यहाँ के सभी जनता उनके साथ है और उनको प्रचंड बहुमत से पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी यहाँ की जनता उनको गारंटी देती है। आप सभी पूरी ताकत से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
भारत माता की जय। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।